दिल सहम सा जाता है, दिल बहल सा जाता है। आज तो जिंदा हूँ मैं, क्या पता कल रहूं ना रहूं। न जाने उनको मेरी कौन सी बात बुरी लग जाए, मेरी जिंदगी उन्हें रास ना आए, मेरे जिस्म के वो भूखे बन जाएं, मेरी रूह मुझसे अलग कर जाएं। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा और आप देख रहे हैं द लॉलीपॉप। आज आवाज में थोड़ी नमी सी है, समझ नहीं आ रहा बात शुरू कहाँ से करना है। हिंदुस्तान ने फिर अपनी एक बेटी खोली। वैसे खुद को डेवलप करना बहुत अच्छी बात है ना। इसी बात को कुछ लोगों ने कुछ हैवानों ने अपने जीवन में बहुत अच्छे से ये मूल मंत्र धारण कर लिया। अब आप खुद ही देख लीजिए ना, पहले इनकी हैवानियत लेवल 1 पर होती थी, मतलब इन्होंने ना अपनी हैवानियत को लेवलों पे बांटा हुआ है। जैसे लेवल 1 गेम्स के लेवल होते हैं, वैसे इनका लेवल 1 जो कि होता था सिर्फ रेप करना, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, रेप करके बाहर गाड़ी से फेंक देते थे। अब ये लोग बलात्कार करके लड़की को छोड़ते नहीं हैं, लेवल 2 पे प्रमोट कर देते हैं। लेवल 2 इनका होता है लड़की से बलात्कार करके या तो उसे जला देना या मार देना। अब ये जो है लेवल 3 पर आ जाते हैं, जहाँ इनके जिस्म को ये काट के अपने साथ ले जाते हैं। सोचिए ये अपने लेवल में कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इनकी क्वांटिटी कम नहीं होती है, पहले ये सिर्फ एक लड़के जो था वो रेप करता था, लेकिन अब 4-4, 34-34, 40-40 लोग साथ में रेप करते हैं। हमेशा अपने भाइयों को साथ लेकर जाते हैं, कहते हैं ना अपना भाईचारा कहीं नहीं छोड़ते हैं, तो ये अपना भाईचारा निभाना जानते हैं, चाहे वो निर्भया हो या डॉक्टर प्रियंका रेड्डी हो। अब इन हैवानों ने एक और लड़की का नाम इन सब में शामिल कर दिया है, जो कि है राबिया, संगम विहार की रहने वाली डिफेंस ऑफिसर राबिया। इनके साथ बस हुआ इतना कि 4 लोगों ने मिलकर इनका बलात्कार किया। इससे मन नहीं भरा तो उनके शरीर में 50 बार चाकू का वार किया गया। ये तो कुछ भी नहीं था जनाब, इन्होंने उनका सीना निकाल लिया, उनका स्तन निकाल लिया उनके शरीर से। पहले ना लोग बेटी नहीं चाहते थे, इसका कारण ये होता था कि बेटी जब बड़ी होगी तो उसका दहेज देना पड़ेगा, शादी कैसे होगी, माँ बाप इसकी टेंशन लेते थे। लेकिन ना अब लोगों का विचार बदलने लगा है, विचार बदलने लगा है मतलब उन्हें बेटी अभी भी नहीं चाहिए। इसका कारण, इसका रीजन ये बदलने लगा है कि जब वो बड़ी होगी उसका बलात्कार हो जाएगा। और बड़ी भी क्या यार, 9 साल की होगी, 9 महीने की होगी तब उसका रेप हो जाए, क्या बता आपको। इसीलिए लोग अपना बच्चा अबॉर्ट करवाना चाहते हैं, गिरवाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे का रेप हो जाए। ये कुछ शब्द रेडियो मिर्ची 98.3 FM रेडियो से आरजे नवीद की है। लेकिन आपको ये सुन के बिल्कुल हैरान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे कई गाने बना दिए, कई चीज़ें लिख दी, लेकिन ये रेप नहीं रुके। वैसे आपको पता भी है हम ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जहाँ लड़कियों को बड़ा सपोर्ट मिलता है, मतलब इतना सपोर्ट शायद ही कहीं मिलता होगा। उसके लिए स्लोगन्स बनाए हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि हमारे भारत को पता है बेटियां तो बचती ही नहीं हैं, पैदा होने से बुढ़ापे तक उनको खतरा ही रहता है, कैंडल मार्च निकाल देते हैं जब लड़कियों का बलात्कार हो जाता है। और ये भी नहीं, बड़े जोर शोर से कैंडल मार्च निकालते हैं और कुछ दिन तक गुस्सा रहता है, उसके बाद ये गुस्सा फिर खत्म और लोग वापस फिर से नॉर्मल डेज पे। भाई आखिर कब तक, बस क्यों नहीं कर देते अब, क्यों नहीं समझ में आता कि भाई नो मीन्स नो। मुद्दा हमेशा ये बनाया जाता है कि उसके कपड़े छोटे होंगे। अगर बात कपड़े की है तो आप मुझे एक बात बताइए, जिस लड़की ने बुरका पहना उसका बलात्कार क्यों हुआ? अगर कपड़े की ही बात है तो क्यों हुआ उस 9 महीने की बच्ची का रेप? क्या वो लड़कों को आकर्षित कर रही थी? सीरियसली अब कुछ लोगों का कहना है कि कपड़ों को लेकर लड़कियाँ अट्रैक्ट करती हैं, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, मंदिर में गई हुई बुजुर्ग महिला का रेप क्यों हुआ? वो तो बुजुर्ग थी ना, कपड़े भी ठीक पहने होंगे, सेंस भी होगा कि मुझे पूरा कवर करके जाना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे देश की खुद की महिलाएं जो खुद स्त्री हैं वो कहती हैं कि लड़कियों की गलती होगी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से तो नहीं बजती ना, उसने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। अबे भाई बस कर दो, अब शर्म कर लो,
इतनी जिंदगियां खा गए तुम हैवान, तुमने उस लड़की की जिंदगी खराब करने में 9 मिनट नहीं लगाए और सोचा है कभी उस माँ ने उस लड़की को 9 महीने अपने पेट में रखा था। एक बात की जान छीन लेते हो तुम। कैसा कानून है मुझे ये समझ में नहीं आता। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाले को ढूंढने में 8-10 साल लग जाते हैं, उसके बाद भी पता नहीं होता कि इंसाफ मिलेगा या नहीं। यही वजह होती है कि बहुत से माँ बाप समाज में अगर उनकी बेटी के साथ बलात्कार होता है तो इस चीज को नहीं लेकर आते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसाफ तो मिलने वाला नहीं है, उल्टा हमारी इज्जत और चली जाएगी। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ एक लड़की की जिंदगी खराब हुई है और उसको मार दिया गया, लेकिन गलती उसी लड़की की देते हैं। वाह रे वाह समाज। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझसे पहले भी कई वीडियो डाली होंगी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। मुझसे काफी बड़े बड़े लोगों ने वीडियोस बनाई होंगी, काफी नामी लोगों ने वीडियोस बनाई होंगी, लेकिन हुआ क्या? कैंडल मार्च निकले, 2-3 दिन का मोर्चा निकला, लड़की है बेटी है इंसाफ दिलाओ, यही हुआ बस। जब उनके कहने से कुछ नहीं हुआ तो मेरे अकेले कहने से मैं क्या ही उखाड़ लूंगी। बस मुझे कुछ ही चीज आपसे पूछनी है। हम खून करने वालों को उम्र कैद की सजा देते हैं, ऐसे हैवानों को क्यों छोड़ दिया जाता है फिर? क्यों कुछ सालों की जेल देके इन्हें बख्श दिया जाता है? क्यों इनको फांसी नहीं देते हैं? क्यों इनको पब्लिक के बीच में नहीं छोड़ देते हैं? क्यों लगाने पड़ते हैं पीड़िता के घर वालों को कोर्ट के चक्कर? आखिर ये जो हैवान होते हैं, इनका केस लेने को लोग तैयार कैसे हो जाते हैं? क्या पैसा किसी की जिंदगी से बढ़ के होता है? बताइए, आपकी रूह नहीं कांपती है सुन के? क्यों हम इंतजार करते हैं दूसरी निर्भया का या दूसरी प्रियंका रेड्डी बनने का या दूसरी राधिया बनने का? क्यों पहले ही अकल नहीं खुलती हमारी? क्यों इंतजार करते हैं हम इस तमाशे का आखिर? क्यों हम नहीं समझते हैं जब तक हम पे नहीं बीतती है? आपने कभी सोचा है कि इन हैवानों को कौन लेकर आता है देश में? हम खुद लेकर आते हैं। हम इन्हें लाइटली समझते हैं। कभी आपने बाहर का कानून देखा है? क्यों सऊदी में रेप्स नहीं होते? डरते हैं लोग रेप करने से। क्यों वो चीज हम अपने भारत में अप्लाई नहीं कर सकते? मेरे जैसे काफी लोग होंगे जिनके अंदर ये गुस्सा होगा। प्लीज आवाज उठाइए, प्लीज। व्यूज से मतलब नहीं है हमें, इंसाफ से मतलब है यार। प्लीज आप लोग मत दो व्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लीज राबिया जैसी लड़की या प्रियंका रेड्डी जैसी लड़कियां मत होने दो। और प्लीज ऐसा मत करो जब तक आपके घर में ना बीते ये चीज, तब तक आप ये पे अप्लाई करो। नो मीन्स नो, प्लीज इसको रोक दीजिए।